दोस्तों जय हिंद। आज क्रिकेट की लोकप्रियता किसी से भी छुपी हुई नहीं है। क्रिकेट भारत में तो लोकप्रिय है ही, यानी कि भारत में तो लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ही। लेकिन दोस्तों भारत के साथ साथ अन्य विश्व के बहुत सारे देश हैं जहां पर क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और यह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों क्रिकेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट और दोस्तों अब तो T10 क्रिकेट भी आ गया है। और बात करें विश्व कप क्रिकेट की तो दोस्तों सबसे पहले इसे वनडे विश्व कप क्रिकेट के रूप में खेला गया, उसके बाद T20 विश्व कप आया, उसके बाद टेस्ट मैचों को भी विश्व कप क्रिकेट के रूप में खेला जाने लगा है। क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट के अपने अपने चहेते हैं, यानी अपने अपने फैन फॉलोइंग है। यानी किसी को T20 क्रिकेट अच्छा लगता है तो किसी को टेस्ट क्रिकेट, किसी को वनडे क्रिकेट, यानी हर फॉर्मेट का अपना अपना अलग अलग मजा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वनडे विश्व कप की शुरुआत हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो विश्व कप क्रिकेट खेला गया था वो ODI फॉर्मेट में खेला गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे ODI विश्व कप के इतिहास के बारे में कि ODI विश्व कप की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई और किन किन टीमों ने इसमें पहली बार भाग लिया था। तो दोस्तों ODI विश्व कप के इतिहास की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे तो दोस्तों अगर बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है और शायद आप लोग जानते भी होंगे, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। यानी क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड से हुई थी। अगर बात सिर्फ वनडे विश्व कप की करें तो इसकी सर्वप्रथम शुरुआत जो हुई थी वह इंग्लैंड में ही हुई थी सन 1975 ईस्वी में। उस साल इसकी शुरुआत 7 जून से 21 जुलाई तक इंग्लैंड में किया गया था और इस पहले विश्व कप में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। वैसे आप जानते भी होंगे कि ODI विश्व कप जो है प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। पहले विश्व कप में भाग लेने वाली जो 8 टीमें थी वो टीमें थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका। और उस समय जो ODI मैच खेला जाता था वो 60-60 ओवर का खेला जाता था, यानी कि एक पारी में 60 ओवर होते थे जो कि अभी 50 ओवर होते हैं, वो पहले 60 ओवर हुआ करता था। ODI विश्व कप के पहले सीजन में 8 टीमों के बीच कुल 15 मुकाबले खेले गए थे। अगर बात करें कि उस समय एक ओवर में कितने गेंद होते थे तो उस समय भी एक ओवर में 6 गेंद ही होते थे, और क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी तो सारे के सारे मैच दिन में ही आयोजित किए जाते थे। बात करें खिलाड़ियों की पोशाक की तो जैसे कि आज आप देखते हैं कि खिलाड़ी आपको रंग बिरंगे पोशाक में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों उस समय खिलाड़ियों की बस एक ही पोशाक थी, सफेद कलर की। यानी सभी प्लेयर्स सफेद कलर के ही पोशाक पहना करते थे और उस समय विश्व कप में लाल कलर के गेंद का इस्तेमाल किया गया था। शुरू के पहले 3 विश्व कप यानी 1975, 1979 और 1983 के विश्व कप को प्रूडेंशियल विश्व कप कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों विश्व कप के प्रायोजक प्रूडेंशियल ही थी। और यह तीनों जो विश्व कप है इसका आयोजन इंग्लैंड में ही हुआ था, क्योंकि उस समय क्रिकेट के अनुकूल सारे संसाधन इंग्लैंड में ही मौजूद थे। पहला विश्व कप जब 1975 में हुआ था तब उस विश्व कप के फाइनल को वेस्टइंडीज टीम ने जीता था, और दोबारा एक बार फिर से 1979 में भी जो फाइनल हुआ था तो उस फाइनल को वेस्टइंडीज टीम ने ही जीता था। यानी कि शुरुआती 2 विश्व कप 1975 और 1979 को वेस्टइंडीज टीम ने जीता था। बात करें 1975 विश्व कप फाइनल की तो 1975 का विश्व कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच में खेला गया था लॉर्ड्स के मैदान पे, जिसमें कि वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार 17 रनों से हरा दिया था और इस प्रकार वेस्टइंडीज ने पहला विश्व कप जीत लिया था। वेस्टइंडीज टीम ने जरूर 1975 और 1979 के विश्व कप को जीता था,
लेकिन दोस्तों उसके बाद से वेस्टइंडीज टीम आज तक कोई भी विश्व कप नहीं जीत पाई है। अभी तक कुल 12 क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित हो चुके हैं, जिसमें दो महादेशों का पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी रहा है, एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश। इन दोनों महादेशों ने मिलकर के 12 में से 9 विश्व कप जीते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन 12 विश्व कप में से किस देश ने कितनी बार विश्व कप जीता है। तो दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत ने अभी तक 2 बार इस विश्व कप को जीता है। सबसे पहले कपिल देव की कप्तानी में 1983 में फाइनल में वेस्टइंडीज को हरा करके भारत ने यह विश्व कप जीता था। उसके बाद दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत ने 2011 में फाइनल में श्रीलंका को हरा करके यह विश्व कप जीता था। इस प्रकार वेस्टइंडीज और भारत ने 2-2 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने 1-1 बार इस विश्व कप को जीता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विश्व कप की यानी ओडीआई विश्व कप की तो सबसे सफल टीम रही है वो टीम रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, यानी ऑस्ट्रेलियन टीम ने सबसे ज्यादा बार इस ओडीआई विश्व कप को जीता है। इस ऑस्ट्रेलियन टीम का इस ओडीआई विश्व कप में दबदबा रहा है। 2023 का विश्व कप भारत में खेला जाना है, यानी कि 2023 का जो ओडीआई विश्व कप है वो भारत में खेला जाएगा, जिसके के शेड्यूल भी आ गए हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा कि 2023 का विश्व कप फाइनल यानी विश्व कप कौन सी टीम जीतने वाली है। तो दोस्तों यह था ओडीआई विश्व कप इतिहास की जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो अभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।